वो गुलरिया बनाते हैं ना, तो उसमें धागा डालते हैं ऐसे करके, फिर उसको जला देते हैं। और गोबर की गुलरिया बनाते हैं ना, उसमें धागा डालते हैं, फिर उसको जलाते हैं, तो धागा बच जाता है। और बंद कर टर्रोटर मुख मीठा करो, ज्ञान रत्नों से गुण रत्नों से बाती बाती की शक्तियों से उसमें घी ज्यादा लगता है, इसलिए उसका नाम घेवर है। घृत कौन सा है बेहद में? याद ही घृत है। हाँ जी, और होली वाणी में अक्षर देव के बारे में बातें नहीं बोली। आज सारा तो अक्षर देवों के बारे में ही तो बोला है। दीदी दादियों ने बात किया है, दीदी दादियों ने बात किया, दीदी दादियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं, उनके बगैर दीदी दादियों का काम चल जाएगा? सात रंगों में सात नारायण नारायणियों में दीदी दादियाँ नहीं है क्या? उन नारायणों को जन्म देने वाली वो बीज रूप आत्माएं नहीं है क्या? और आपका घर चले गए थे क्या? अभी पूछा तो आप नीचे थे। चलो सीढ़ी में देख लेना। और क्या हुआ, अब घर जाना है? फरिश्ते बन गए, वाणी से परे हो गए। बाबा सच के नैया हिलेगी डूबेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हाँ जी, जो बोला है वो जगदम्बा के लिए, जगदम्बा के लिए ना। ये सारी सृष्टि सत्य है या मिथ्या है? मिथ्या है, झूठी है। सारी सृष्टि सत्य है या मिथ्या है? सत्य है। और इसमें पार्ट बजाने वाली हम आत्माएं भी सत्य है। आत्माओं का अस्तित्व तब ही है जब इस सृष्टि में पार्ट बजाती है, और सृष्टि में पांच तत्व मुख्य हैं, और उन पांच तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर सारा मदार है, ये रंगमंच है, सत्य का कभी लोप होता है? है? नहीं होता। ऐसे ही इस पृथ्वी के ऊपर कितना भी भारी विनाश होगा, भूडोल आएंगे, बड़े बड़े महाद्वीप सागर में समा जाएंगे, तो भी पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा।
वो तो जड़ पृथ्वी है। फिर चैतन्य भी है या नहीं है? चैतन्य पृथ्वी का छोटा रूप है, जिसे भारत में कहते रहे जम्बूद्वीप, भारत माता। और देश विनाशी है और भारत अविनाशी खंड है। तो कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन इस जमीन, इस माता, इस धरती की गोद में जहां हम बैठे वो सत्य की नैया है। हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सारे धर्मकंठ सागर में समा जाए लेकिन भारत खंड फिर भी रहेगा। तो सत्य की नैया हुई ना। गीता में भी लिखा है नास्ते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो असत होता है वो रहता नहीं है, और जो सत्य होता है वो सदैव रहता ही रहता है, उसका लोप कोई कर ही नहीं सकता। पांच तत्वों का चैतन्य रूप भी है और जड़ रूप भी है, दोनों ही सत्य हैं। पर हम आत्मा तो चैतन्य है, इसलिए पहले किसकी बात करेंगे? चैतन्य की बात करेंगे। और तो बाबा चैतन्य जो आत्मा है तो फिर वो जीते जी स्वर्ग में नहीं जाती है बोला। दो रूप हैं गीता के, भूल गए? एक जगदम्बा, जगत जब कहते हैं तो उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सभी महाद्वीप आते हैं, यह सब भारत खंड आता है, सभी आते हैं। तो वो जगत लोप हो जाएगा, भारत बच जाएगा। और बाबा ही है ये बात खाली संगम युग के लिए लागू है या? सदा सिर्फ संगम युग ही होता है कि और युग भी होते हैं? है? अगले जन्म में शिव बाबा का नाम रूप बदल जाएगा। नाम रूप बदल जाएगा लेकिन जो याद की शक्ति धारण की है वो खत्म हो जाएगी, लोप हो जाएगी। क्या लोप हो जाएगी? जिसको भक्ति मार्ग वालों ने कह दिया है सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है, वो क्या चीज है जो कण कण में व्यापक है? भगवान व्यापक है क्या? क्या व्यापक है? याद की शक्ति व्यापक है। और वो याद की शक्ति कौन सी एक आत्मा है जिसमें सबसे जास्ती याद से लेकर अंत तक व्यापक व्याप्त रहती है? प्रजापति। और राम के पास स्वप्न को गई थी शादी करवाने के लिए, तो हाँ। लक्ष्मण के पास भेजा ना, हाँ। तो लक्ष्मण ने नाक काट दिया। तो स्वप्न को गई रावण के पास बताने के लिए कम्प्लीट करने। तो ये बयाज में कैसा शूटिंग है? हद में पहले समझ लो, हद में रोजमर्रे के जीवन में
अभी कलयुग के अंत में तो खास कामेशु क्रोधेशु होती हैं या नहीं होती हैं? है? होती हैं। जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आके क्या करेंगी? रावण के दरबार में जाकर के झूठी शिकायत लगा देंगी और झगड़ा करा देंगी और कराती रहती है। ऐसा ब्राह्मण परिवार में नहीं हो रहा है क्या? ऐसी सुपनखाएं नहीं निकल रही है क्या? जो राम और लक्ष्मण साथ साथ रहने वाली आत्माएं हैं, उनके ऊपर कलंक लगाने वाली नहीं दिखाई दी आपको क्या? है? दिखाई दी? ऐसे ही हर ब्राह्मण के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे होता आया है। और पहले जगदम्बा की पूजा होती है या बाद या लक्ष्मी नारायण की पूजा? पहले तो गणेश की पूजा होती है। हम लोग तेलुगु समाज हम लोग में एक प्रथा के प्रथा आपसे सब लोग करते हैं हम लोग में कि पहले गुरुवार के दिन सत्यनारायण पूजा करते हैं, उसके बाद में शुक्रवार के दिन देवी को पूजा करते हैं, उस दिन बलि चढ़ाते वगैरह। हाँ, शुक्रवार जो है वो खास कौन से धर्म में माना जाता है? वहाँ से तो जगत की शुरुआत होती है, उससे पहले जगत होता है क्या? उस समय दुनिया थोड़ी ही होती है, सिर्फ भारत खंड होता है। बाबा और एक प्रथा भी हम लोग मानते हैं, शिवरात्रि के दिन रात को दिए जलाते बड़े बड़े घर के अंदर और एक दूसरे के घर में जाके तेल डालते हो दिए में, इसका क्या? दूसरे दूसरे घर में तो आप सेवा नहीं करते हैं और घर में जाकर के है? है? तेल चिकनाई तो है, ताकत तो देता है, लेकिन घृत के मुकाबले ताकत देने वाली चीज तेल नहीं है। तो घर घर जाकर के जो संदेश देते हैं वो तो हो गया तेल, और जो स्मृति का दीपक जलाते हैं और जब परिपक्व स्टेज पर याद की स्थिति पहुंचती है तो सारी दुनिया वालों को ऑटोमेटिक संदेश मिल जाता है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं। और कर्मातीत का मतलब कर्म से परे हो जाना, ऐसे नहीं कि कर्म करना नहीं, कर्म करते हुए भी बुद्धि कर्म में आसक्त न हो, लिम्पायमान न हो। जैसे कर्म किया किया न किया, उस कर्म का सुख अथवा दुख अनुभव में ना आवे, उसको कहेंगे कर्मातीत। ऐसे कर्म करने वाले के लिए गीता में बोला है कि सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। स्मशान में यदि डेड बॉडी को लेके जाए तो स्मशान के बाहर नरियल जो होता है, मैं उधर से रोज देख लू ना तो नरियल लेके जब मरते हैं बेहद के जीवन में
जिसे कहते हैं बाबा जीते जी मरना, तो जीते जी मरने वालों की लिस्ट में पहला पहला फल कौन सा है जो उस लिस्ट में पहले नंबर में आता है? नारियल। बेहद में बताओ, नारियल तो स्थूल में हो गया है। पहला पहला फल है तीन आंखों वाला, बहुत ऊंचाई पर लगता है, और वो जीते जी मरता है या नहीं मरता है? है? जीते जी मरता है। तो जब जीते जी मरता है तो उसका बुद्ध रूपी खोपड़ा जो कलयुग के अंत में आकर के पत्थर का लिंग बन जाता है वो फूटता है या नहीं फूटता है? है? फूटता है। जब फूटता है तो अंदर से क्या निकलता है? अच्छी चीज निकलती है, ताकतवर चीज निकलती है या फालतू की चीज निकलती है? ताकतवर चीज निकलती है। वो सभी देवताओं को अर्पण किया जाता है, खास करके देवियों को। और जब शमशान घाट में जाते हैं तो भी वो खोपड़ा ही नहीं तोड़ते हैं, लाठी से कपाल क्रिया भी करते हैं। और बाबा बोलता है कि हर 5000 साल के बाद इसकी जागरूकता भी होती है। हाँ जी, प्रकार से बच्चों के तो जन्म। आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाएंगे या कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे? हैं? जहाँ से आए वहीं जाएंगे। इसलिए आत्माएं भी जहाँ से आई हैं वहीं वापस जाएंगी। दुनिया के 5 तत्वों के अणु अणु जहाँ से साइकिल शुरू करते हैं 5000 वर्ष के पार्ट बजाते बजाते अंत में वो वहीं जाकर के पहुंचते हैं। ये साइकिल बना हुआ है, इसके बगैर काल क्रम नहीं चल सकता, और काल क्रम का डिटेल बताया भी नहीं जा सकता। ये भगवान बाप आकर के रहस्य बताते हैं कि हर आत्मा में, हर अणु अणु में अपना पार्ट बजाने का साइकिल भरा हुआ है। जो जहां से आया है, जिस नंबर में आया है, उसी नंबर में उसको वापस जाना भी पड़ेगा। और त्रिकालदर्शी की सीट के ऊपर सेट होने के लिए विशेष पुरुषार्थ है? षष्ठी चक्र याद रहता है तो त्रिकालदर्शी की स्टेज है। नहीं याद रहता है, सिर्फ वर्तमान ही याद रह गया या पास्ट की बातें ही याद आती है, और पास्ट को याद करके रोते रहते हैं तो त्रिकालदर्शी की स्टेज नहीं है। ऐसी स्टेज बनावेंगे तो सुख दुख से परे हो जावेंगे। बाबा जड़ तत्वों का भी साइकिल देते हैं या?
ये मिट्टी के कण हैं वो एक ही जगह पड़े रहते हैं क्या है? वो एक जगह से अपना स्थान छोड़ करके दूसरा स्थान लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो चाहे जड़ हो और चाहे चैतन्य हो, सबको अपना अपना पार्ट बजाना पड़ता है, उस साइकिल से घूमना पड़ता है। नहीं तो भक्ति मार्ग में क्यों कह दिया है कण कण में भगवान व्यापक है? कण कण में भगवान व्यापक है या उसके याद की सत्ता व्यापक है? याद की सत्ता व्यापक है। अगर कण कण में भी ना हो वो शक्ति, चाहे वो आत्मिक शक्ति हो चाहे परमात्मा शक्ति हो, तो जो भोजन खाते हैं उस भोजन में जो अणु अणु संगठित हुए पड़े हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव क्यों डालते हैं? वैश्या की बनाई हुई रोटी खाओ और अपने हाथ की बनाई हुई रोटी खाओ, अवस्था में अंतर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि अणु अणु वो शक्ति को ग्रहण करता है। बाबा भी कहते हैं जब भोजन बनाए तो बाबा की याद में बनाए, जो खाने वालों की भी हृदय शुद्ध हो जावे। हाँ जी, शास्त्र क्या चीज है? जो भी जड़ नक्षत्र हैं, या जो भी चैतन्य मानिंद आत्माएं हैं, वो अविनाशी छत्र छाया बनती हैं क्या? किसी के ऊपर अविनाशी छत्र छाया बनकर रहती हैं क्या? नहीं रहती। एक परमात्मा बाप परम पिता ही ऐसा है जो सबके ऊपर छत्र छाया बनकर रहता है। और उनमें भी पावरफुल आत्माएं भी हैं और कमजोर आत्माएं भी हैं। कमजोर की तो छत्र छाया की बात ही नहीं, कमजोर की छत्र छाया में कौन जाना चाहेगा? कोई जाना चाहेगा क्या? लेकिन इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनकी छत्र छाया में बहुतेरे जाते हैं। तो जिनकी छत्र छाया में जाते तो हैं, लेकिन वो सदा सकाल की छत्र छाया दे नहीं पाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं ना छत्र। वो छत्र नहीं है, छाता नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेंगे। जिनको उनके फॉलोअर्स समझे बैठे हैं कि हमारे लिए सदैव के लिए छत्र छाया है, नहीं, असली छत्र छाया एक बाप परमपिता परमात्मा की ही है। और चलो आज जल्दी हो गई। तांडा लेने गया, माने आग लेने गया, और वहीं बबूरची बन के बैठ गया। तो तांडा किसे कहते हैं पंजाबी भाषण है? आग को कहते हैं। आग लेने गया है?
किचन में क्या लेने गया, हमें थोड़ी सी आग दे दो। गया आग लेने और वहाँ मुखिया बन के बैठ गया होंगे। तो कौन करता है सर है? अरे ज्ञान अग्नि और योग अग्नि लेने ऐसी कौन जाता है बेहद की किचन में कि लेने गया कि थोड़ी हमें भी दे दो और खुद बबूर्ची बन के बैठ गया। कौन है वो है? अरे कोई है कि नहीं है? माता का प्रश्न, माता को बताना। हाँ, कोई एक आत्मा है जिसके जीवन में ये बात घटित होती है। और बाबा काले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? काले कपड़े काला रंग जो है, कितने रंग मिलाए जाते हैं तब काला रंग बनता है? है सात और रंग मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? काला बन जाता है। तो सात मुख्य धर्म है विधर्मी। कितने विधर्मी है? सात मुख्य धर्म है, अलग अलग रंगीले हैं। सात और क्या है? हाँ, अलग अलग रंगीले हैं। और सारों को मिला करके एक में रख दिया जाए तो काला रंग बन जाएगा। उसे विविचारी रंग कहेंगे या अविविचारी रंग कहेंगे? विविचारी है। तो विविचारी है तो काला ही कर्म करने वाला है? छुप के कर्म करेगा या उजागर करेगा? छुप के करेगा तब काला रंग बनेगा। इसलिए काला रंग प्रसिद्ध है। किसके लिए? मुसलमान औरतें कौन सा रंग पहनती है? काला बुरका। और महाकाली और उसकी भुजाएं कौन से कपड़े पहनती है? काले कपड़े पहनती है। वकीलों का भी धंधा है। सही है। जो लौकिक दुनिया में रहते हैं फिर बेसिक में आ जाते हैं तो लौकिक दुनिया उन्हें ठुकराए देती है या गले से लगा के रखती है? है ठुकराए देती है। तो विदेशी बन गए ना। फिर बेसिक में आए, बेसिक में चलते चलते एडवांस ज्ञान मिल गया। जब बेसिक वालों को पता चलता है कि ये एडवांस ज्ञान में चला गया तो उसको ठुकराए देते हैं, निकाल देते हैं बाहर या अपने अंदर मिक्स करके रखते हैं, अपने देश में रखते हैं, निकाल देते हैं। तो डबल विदेशी हुए कि नहीं? बेहद ये डबल विदेशी है। यहाँ सब कैसे बैठे हुए हैं? सब डबल विदेशी है। और बाप भी, बाप भी विदेशी बन कर गया है। यही तो ट्रिपल विदेशी भी बन जाता है, जहाँ से भी आगे खसक के ट्रिपल विदेशी भी बन जाते हैं। हाँ जी। और बाबा जब देवता उनको से फूल फेंकते हैं ना, देखते हैं कई बार हम सुनते भी हैं कि देवता फूल फेंक रहे हैं उनको से, और वो कब की शूटिंग है? जो ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, ये देवता बनने वाली आत्माएं हैं या नहीं है? है। तो जब एडवांस पार्टी में प्रत्यक्षता होगी, एडवांस पार्टी में प्रत्यक्षता होगी ना, तो विजय माला के फूल ऊपर गिरेंगे आगे सरेंडर होंगे या नहीं होंगे? है, सरेंडर होंगे तो फूल गिरेंगे। स्थूल फूलों की बात है या चैतन्य फूलों की बात है? चैतन्य फूलों की बात है। एक मुरली में बोलते हैं मैं अपने ड्रामा अनुसार आता हूँ, किसी के बुलाने से नहीं आता हूँ। फिर एक मुरली में बोलते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत चिल्लाया है, क्या भगवान आ जाओ, बच्चों ने बुलाया तो मैं आया हूँ, सभी को ले जाऊंगा, मारपीट के या सजा दे के ले जाऊंगा। तो इसमें विरोधाभास कहाँ दिखाई पड़ रहा है? बच्चों ने बुलाया अनुसार बाबा को माना, 63 जन्म बुलाते रहे
पहले जन्म में बुलाया नहीं आया, दूसरे में बुलाया, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, दसवें में, बीसवें में, पच्चीसवे में, पचासवे में, साठवे में नहीं आया। आया बुलाते रहे, नहीं आया। ड्रामा में था तब आया, तो उसमें गलत बात क्या है? एक ही बात तो बोलते हैं। जब कंचन का है भांजा बेगी जोगरणी से, कंचन का है भांजा बेगी जोगरणी से, उसके बाद फिर बर्फ में दबना पड़ेगा। काया दो प्रकार की होती है, एक सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म काया और एक स्थूल शरीर। पहले कौन सी काया कंचन बनेगी? सूक्ष्म शरीर की जो काया है वो फरिश्ता बनेगी। क्या फरिश्ता? हाँ, जब फरिश्ता बनेंगे तब फर्श की दुनिया वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो हमारे वाइब्रेशन जो है फरिश्तों के ना, वो वाइब्रेशन फरिश्तों के नई दुनिया का संगठन बना देंगे, उसे कहेंगे फरिश्ताई संगठन। क्या स्वर्णिम संगम युग, स्थूल दुनिया स्वर्ग बनेगी या सूक्ष्म दुनिया स्वर्ग बनेगी? सूक्ष्म दुनिया स्वर्ग बनेगी। ऐसे नहीं कि पांच तत्वों की स्थूल दुनिया पहले स्वर्ग बन जाएगी। तो बाबा, जब अंतिम विनाश होगा तब? अंतिम विनाश होगा तो अंतिम विनाश में 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया जो स्थूल दुनिया है वो खत्म होगी या रह जाएगी? तो हो जाऊ तो खत्म हो गया। जो विकारी है, नीच आत्माएं हैं, दुष्ट कर्म करने वाले हैं, असुर हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो सब खलास होंगे, तभी तो दुनिया का वाइब्रेशन सुधरेगा कि पहले सुधर जाए। अभी हम मुठ्ठ भर हैं, हम सुधार रहे हैं कि हम भी उन्हीं में मिक्स हो जाते हैं कि हमारा भी वाइब्रेशन बदल जाता है, है? हमारा भी बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उनका हुजूम बहुत है और हमने अपना प्योर संगठन बनाया ही नहीं, बना नहीं पाए, तो इसलिए उनका संग का रंग हमारे ऊपर पड़ जाता है और पड़ता रहेगा। इसलिए पांच तत्वों की दुनिया सतो प्रधान नहीं बन सकती। कब तक? जब तक 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया जो राक्षसी दुनिया है, जिसका दुनिया में प्रभाव ज्यादा है, वो खत्म न हो जाए। जब वो खत्म हो जाएगी तो हम जो मुठ्ठ भर होंगे, क्या हमारा प्रभाव निकले? हमारा प्रभाव पांच तत्वों के ऊपर पड़ेगा और पांच तत्व सतो प्रधान बनेंगे। बाबा, जब लास्ट में माउंट आबू का भी विनाश होगा, है? जब लास्ट में माउंट आबू भी विनाश हो जाएगा, है? उस टाइम सब ब्राह्मण स्वर्ग में दिल्ली पहुंच जाएंगे। पहले परमधाम तैयार होता है या पहले सुखधाम तैयार होता है, या दोनों साथ साथ तैयार होते हैं? साथ साथ तैयार होते हैं। एक तरफ सुखधाम का गेट खुलता है और दूसरी तरफ शांति धाम का गेट खुलता है। दोनों साथ साथ होते हैं तो दोनों ही साथ साथ कार्य चलेंगे। श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन भी देखने सुनने में आवेगा, क्रिश्चियंस को भी देखने सुनने में आवेगा, जिसको वो कहते हैं पैराडाइज। भक्ति मार्ग में मान्यता है अंग्रेजों में पैराडाइज, तो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। ऐसे ही मुसलमान भी देखेंगे सुनेंगे, उनके यहाँ भी यादगार है जन्नत, वो भी मानेंगे। और हिंदुओं में तो वैकुंठ की यादगार है ही है, बहुत मान्यता है। तो एक तरफ
सुखधाम तैयार होगा, सुखधाम का संगठन तैयार होगा, और दूसरी तरफ शांत स्टेज में रहने वाली निराकारी स्टेज आवाली आत्माओं का संगठन भी तैयार होगा। और जैसे जैसे सुखधाम में ट्रांसफर होते जाएंगे, माना विकारों के ऊपर विजय प्राप्त होती जाएगी, तो विजयमाला में ऐड हो जाएंगे। विजयमाला में ऐड होंगे तो माउंट आबू में रहेंगे या सुखधाम में रहेंगे? सुखधाम में ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर होते 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 अंत में क्या होगा? शांति धाम 84 जन्म लेने वाली आत्माओं के लिए खाली, उन्हीं के ऊपर सारी दुनिया का मजा है। बाबा महाविनाश होगा तो जमुना के किनारे पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं जमुना के किनारे होंगी और कहाँ होगी? माउंट आबू नहीं होगी, चंडीगढ़ में होगी क्या? बाबा यही ड्रामा क्यों बार बार चलता है, 5000 वर्ष रिपीट होता है? कुछ नया क्यों ड्रामा बनता है? नई फिल्म बनाते हैं डायरेक्टर, हाँ? तो कुछ नया बनाना चाहिए ना। हाँ, बनाने वाले अलग अलग होते हैं कि एक ही होता है? एक ही है। अलग अलग होते हैं तो अलग अलग तरह की रील बनाएंगे। नहीं, पर एक डायरेक्टर। और यहाँ बनाने वाला यहाँ बनाने वाला एक है या अनेक है? एक ही है, एक है। और वो बनाता है या कहता है कि बना बनाया है? बना बनाया। वो अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं लेता। वो कहता है कि जैसा आपने बनाया है 63 जन्म, वैसा ही आपका आप सामने आ रहा है और वैसा ही आप बनाएंगे। आप दूसरा नहीं बना सकते। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। 63 जन्म में हमने पहले ही बनाई लिया अपना ड्रामा। भगवान नहीं बनाता, इसलिए हमने जो बनाया है वही बनेगा। आप जहां से आए हैं वहीं वापस जाएंगे या दूसरी जगह चले जाएंगे? है? कभी कभी चले जाना चाहिए। कहाँ कभी कभी नहीं, ड्रामा चेंज कर। हाँ, चले जाएंगे फिर भी कहाँ जाएंगे लोग? कभी वहीं जाएंगे। तो मुर्गन स्वामी की औलाद बन गए? है? मुर्गा क्या करता है? है? कुछ जगता है, दाता गां क्या करता है? है? दाता का गायन करता है और फिर सो जाता है। बाबा ये तबीयत ठीक ना हो फिर। है? ये तबीयत ठीक ना हो तो अच्छा कर दो। फिर सोना मिल, फिर तो सोना चाहिए ना। तो सोना चाहिए। सोना चाहिए माने पत्थर बन गए। और मुर्गा बनना ज्यादा अच्छा है या पत्थर बनना ज्यादा अच्छा है? है? अरे चैतन्य बनना अच्छा है या जड़ बनना अच्छा है? चैतन्य तो कम से कम बने। बाबा अव्यक्तवाणी में बोला है कि बंगाल बिहार जोन लकी जोन है, क्योंकि शिव के तन को यहाँ से पकड़े हैं। बाबा उनके सेवक नाम का कोई कनेक्शन बिहार से भी है, जो बिहार का भी नाम है। तो क्या हुआ? वो ईस्टर्न जोन नहीं है सारा? बिहार है, उड़ीसा है, पूर्वी नेपाल है, बंगाल है, वो सारा ईस्टर्न जोन है। ईस्ट से ही सूरज निकलता है। प्रजापिता भी कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? ईस्ट से ही प्रत्यक्ष होता है। पूर्वी बंगाल ही बोला हुआ है? पूर्वी बंगाल ही बोला हुआ है। हाँ जी बाबा, तमिलनाडु को ईस्टर्न जोन में क्यों मिला? हाँ, ईस्टर्न जोन तो है, लेकिन जो भी ईस्टर्न जोन है उसमें कम्युनिज्म ज्यादा फैला हुआ है, नास्तिकवाद ज्यादा फैला हुआ है। ये आस्तिकवादियों का राज्य है, नास्तिकवादियों का राज्य है। और तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु भी देहंकारी बहुत है,
वहाँ कोई भी हिंदी को नहीं मानता है। क्या सख्त नफरत। और कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ हिंदी को मान्यता न देते हो, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा है जहाँ हिंदी को कोई स्थान नहीं। मनन चिंतन मनन बंद हो जाता है, मन भटकता है, योग नहीं लगता, बाबा ऐसा क्यों होता है? अच्छे कर्म किए हैं 63 जन्म और अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो ऑटोमेटिक अच्छा अच्छा पुरुषार्थ चलता है, और जब बुरे कर्मों की रील घूमती है तो कितना भी अच्छा पुरुषार्थ करने की कोशिश करें, मेहनत करें, तो भी अवस्था नीचे गिरती। अब किसी की ज्यादा नीचे गिरी हुई रहती है और किसी की कम, ये तो होता ही। के लिए धनराज के पास चली गई थी। वो सत्यवान कौन है? अरे सत्यवान कोई है कि नहीं है? माता जी को बोलने दो, माता जी का प्रश्न है। एक है सत्यवान, सत्य वाला है, और उसको जो साथी मिलता है उसका नाम पड़ा नहीं, उसका नाम पड़ा सावित्री। क्या नाम पड़ा? सावित्री। सावित्री नाम दो शब्दों से मिलके बनता है, सौ इत्री। क्या? सौ प्रकार के इत्र वाली, इत्र माने सुगंध। जो सौ आत्माएं हैं माला के, विजय माला में सौ मणके होंगे कि नहीं होंगे? उन सौ मणकों में जो सुगंध भरी हुई है, सुंदर सुंदर गुण रत्न भरे हुए हैं, वो सारे इतर उस एक में सावित्री में समाये हुए। ऐसी पवित्रता की शक्ति वाली है, वो पवित्रता की शक्ति वाली किसको प्रसन्न कर लेती है? है धर्म का जो राजा है। कौन है धर्म का राजा? है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई धर्म का राजा है या नहीं है? कौन है? अरे माता जी को भी बताने देते हैं। धारणाओं का राजा कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई आत्मा ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा गुणों की धारणा की है? किसने की? ब्रह्मा बाबा। तो वो हो गया धर्मराज, और धर्मराज उसमें प्रसन्न हो जाता है। बाबा मुरली में बोलते हैं शरीर सड़ते जाएंगे आत्मा है, शरीर सड़ते जाएंगे आत्मा पावरफुल होती जाएगी क्या? बाबा जितना योग लगाएंगे उतना शरीर और आत्मा पावरफुल हो नहीं सकते? हाँ क्यों नहीं होगी? है बाबा से याद लगाएंगे, बाबा की याद करेंगे, तो जिसकी याद करेंगे उसको अब याद की ताकत, उसको याद पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? तो परमात्मा बाप को हम याद करेंगे तो हमारी याद उस तक पहुंच रही है, याद से वायुमंडल शुद्ध बनता है, ये भी तो एक सेवा है ना। तो सेवा करने वाले बच्चों को बाप याद करते हैं, और बाप जिन बच्चों को याद करेगा तो उनको ताकत नहीं मिलेगी, हिम्मत नहीं आएगी, हिम्मत आएगी? नई बात क्या होगी? सतगुरु विश्व महाराजन श्री नारायण, सतगुरु विश्व महाराजन श्री नारायण है, तथा विश्व महारानी श्री लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो भारत की माँ है ना? है तो भारत माता है ना? भारत माता है?
भारत माता पहले होती है या जगत माता पहले होती है? पहले कौन है? भारत में से ही तो जगत निकलता है। विश्व धर्म भारत में से निकलते हैं कि अलग से आ जाते हैं? भारत में से निकलते हैं। हाँ। और बाबा काल सर्प योग दिशा क्या होती है? काल सर्प योग है क्या होता है? वो सांप है, सांप का योग है। बुरा योग। ये भक्ति मार्ग वालों ने जितना भी भविष्य का कथन किया है वो सब अपना मान मर्तबा लेने के लिए किया है। कुछ बातें उसमें सच्ची है, कुछ बातें झूठी है। नहीं, ऐसे पंडित बताते थे ना मुझे कि काल सर्प योग की दिशा होती है। हाँ, तो तुमने मान लिया? नहीं, पता ही नहीं यार। पता ही नहीं तो तभी तो तुम यहाँ पब्लिक में पूछ रहे। तो प्रभाव पड़ गया उनसे, प्रभावित हो गए तो पूछ रहे। नहीं तो बाबा की बातों से प्रभावित हो तो बाबा की बातें पूछो। नहीं तो है क्या, वही तो जानना चाहते हो? क्यों जानना चाहते हो? देहधारियों की बातें जो झूठी है उन बातों को वास्तुकला है, काल सर्प योग है, वो सारी झूठी बातें हैं या सच्ची बातें? झूठी बातें। हम उसको क्यों जानना चाहेंगे? पर चिंतन पतन जी, बाबा ने क्या बोला है? और बाबा शंकर और पार्वती की गोद में गणेश को क्यों दिखाया है? शंकर पार्वती की गोद में गणेश को क्यों दिखाया है? हाँ, शंकर पार्वती जो है वो भगवान है या देवी देवता है? क्या है? देवी देवता। और जो शंकर पार्वती की पूजा होती है वो कौन से युग में होती है? अरे द्वापर युग में पूजा होती है। और गणेश की पूजा कौन से युग में होती है? कलयुग में होती है। होती है ना? माना कलयुग जब शुरू होता है तो नीच आत्माएं आती है द्वापर युग के मुकाबले या ऊंच आत्माएं आती है? नीच आत्माएं आती है। तो द्वापर युग की शूटिंग में है मनुष्य, सतयुग त्रेता में थे देवताएं, द्वापर में क्या हुए? मनुष्य। और कलयुग में क्या हो गए? राक्षस हो गए, जानवर हो गए। तो मनुष्यों की औलाद कौन हुए? उनकी गोद में खेल रहे हैं, क्या बड़ी बात हो गई। युगल तो वास्तव में बस विष्णु है, है? युगल तो वास्तव में बस विष्णु है, है? शंकर भी युगल नहीं है। हाँ, युगल है कि वियोग होता है उनका? शंकर पार्वती वियोगी होते हैं कि नहीं होते हैं? जगत पिता जगदम्बा वियोगी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? वियोगी बनते हैं। तो पक्की गृहस्थी हुए नहीं हुए? पक्की गृहस्थी कौन कहे जाए? जब विष्णु रूप धारण करते हैं, बैलेंस आता है ला और लव का, तब पक्के विष्णु। नो विष्णु एट ऑल। और भारती में जो 50 लाख 100 101 लाख देते हैं उसका देहर में बहुत फर्क क्या होगा? 50-100 यानी जो भक्ति में देते हैं जो देना होगा तो कहावन देते हैं, जो 101 देते हैं। धर्मी की बात करते हैं, ये कोई कहावन देता है 100 रुपया देता है 30 रुपये ऐसे उसका बहुत देहर में माना 50 नहीं देंगे 1 जोड़ देंगे, 100 नहीं देंगे 1 या 8 जोड़ देंगे, है ना? तो ऐसे ही जो माला बनती है वो माला 100 की माला नहीं कही जाती। क्या उस 100 की माला में भी अगर एक मुखिया ना ऐड किया जाए तो माला बेकार है। क्या कहा जाता है? भोले भंडारी को कहा जाता है। शंकर को भक्ति मार्ग में भोले भंडारी इसलिए कहते हैं कि वो शिव शंकर को मिलाकर एक कर देते हैं। वास्तव में शंकर थोड़े ही भोला है।
वो भोला है कि भाला है? हैं? वो तो भाला है, भोला का घर सबका माथा फूट लेता है। तो भोला हुआ या भाला हुआ? भोला हुआ। शिव शिव है भोला और शंकर है भाला, इसलिए क्या कहते हैं? शिव शंकर भोले भाले। शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में, भोले का नाम पहले, भाले का नाम बाद में। जोड़ी है दोनों की, एक भोला है एक भाला है, एक शिव है कल्याणकारी है, एक शंकर है विनाशकारी। बेसिक में जो शरीर छोड़ते हैं वो एडवांस पार्टी में प्रवेश कर जाते हैं, क्या बाहर की दुनिया वाले जो शरीर छोड़ता है वो एडवांस पार्टी में प्रवेश करते हैं? जो दुनिया बेसिक में शरीर छोड़ते हैं उन्होंने शिव का ज्ञान लिया है या दुनिया वालों ने शिव का ज्ञान लिया है? बेसिक वालों ने शिव का ज्ञान लिया है, दुनिया वालों ने तो लिया ही नहीं। तो दुनिया वालों में ताकत होगी प्रवेश करने की या बेसिक वालों में प्रवेश करने की ताकत होगी? बेसिक वालों में ताकत है। जन्म लेकर भी पाठ पर जाएंगे? हैं? जन्म लेकर भी पाठ पर जाएंगे सूक्ष्म प्रवेश करके? जन्म तो वो तब ले जबकि उन्हें उनमें मनन चिंतन मंथन करने का मादा हो। वो देव आत्माएं हैं या 100% पक्का ब्राह्मण 100 फरिश्ता आत्माएं हैं? क्या है? अरे वो देव आत्माएं बुद्धू है या ब्राह्मण है पक्के? क्या है? देव आत्माएं देवता बन के सत्य को पैदा होंगे, देवताएं तो बुद्धू होते, वो थोड़े मन चिंतन मंथन करेंगे। और बाबा मुझे कि सुप्रीम बाप का शंकर सबसे बड़ा अच्छा है। सुप्रीम बाप का शंकर सबसे बड़ा बच्चा है। सुप्रीम बाप का शंकर सबसे बड़ा बच्चा है, ठीक है। शंकर और राम व्यक्तित्व अलग अलग हैं क्या? हैं? राम बाप को कहा जाता है, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो नेक्स्ट टू गॉड दो दो होंगे, एक या एक ही होगा? तो दोनों एक ही है ना, अलग अलग थोड़े ही है। और आकाश में कितने सितारे हैं? आकाश में तो दुनिया वाले भक्ति मार्ग में तो 9,00,000 सितारे माने जाते हैं, 9,00,000 हार प्रसिद्ध है दुनिया में, है? तो 9,00,000 आत्माएं चैतन्य सितारे हैं जो विनाश के टाइम पे सारी दुनिया में जगमगाते हैं, ज्ञान की रोशनी फेंकते हैं, उनका गायन दुनिया में चला आ रहा है 9,00,000 सितारे। और भक्ति मार्ग में बाबा मीरा कृष्ण के भक्त और ब्राह्मण की दुनिया में भी कृष्ण के भक्त नहीं है? हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली आत्मा के भक्त नहीं है? बेसिक में सारे ही हैं। हाँ, बेसिक में सारे ही ब्रह्मा के भक्त हैं मोस्टली। मीरा का पार्ट है? मीरा का पार्ट किसका? मीरा जो है वो आत्मा कौन सी है? मीरा जो नाम पड़ा हुआ है कि मीरा साक्षात्कार करती थी, कृष्ण के गुण गाती थी, गीता का भगवान किसको समझती थी? कृष्ण को समझती थी, साक्षात्कार तो बैकुंठ का करती थी। फिर क्या बैकुंठ में गई? नहीं गई।
ये भक्ति मार्ग की बात बताई क्या, कि कृष्ण का गायन करने वाली, कृष्ण के लिए डांस करने वाली, कृष्ण का साक्षात्कार करती थी लेकिन स्वर्ग में नहीं जाती थी, तो कहां की यादगार? संगम युग में है। और चल।